sorry, as DJ. मैं उमीर हसन और आप देख रहे हैं नई सदी न्यूज नेटवर्क। आइडियल ग्रांड कॉम्प्लेक्स पुरहोड़ा में शानदार तरीके से आइडियल ग्रांड प्रीमियर लीग सीजन 6 का इफ्तिताह किया गया। ये क्रिकेट लीग का इफ्तिताह श्री बाबुल सुप्रियो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल ने किया। ये लीग 3 रोज चलेगा। इस लीग में कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 7 साल से 70 साल के क्रिकेटर्स को आप देख सकते हैं। टीमों को बच्चों, औरतों, नौजवानों और बुजुर्गों की टीमों में तकसीम किया गया है। ये सीजन 6 है। इनोग्रेशन सेरेमनी में रंगारंग प्रोग्राम भी हुए, जिसमें बच्चों ने शानदार डांस परफॉर्मेंस पेश किया आईडी ग्रांड में एक फेस्टिवल जैसा समाज मालूम हो रहा था। मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो ने क्रिकेट खेलकर इस टूर्नामेंट का आगाज किया। इनमें कई टीमें शामिल हैं। नई सदी न्यूज के नमानिगार मीर हसन से बात करते हुए मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो ने बताया कि वो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करते हैं और उन्हें भी क्रिकेटर बनना था, लेकिन बाद में उन्होंने सिंगिंग के पेशे को इख्तियार किया। इस मौके पर मेहमान खुशूसी की हैसियत से श्री भगवान प्रसाद गुप्ता, प्रदीप अग्रवाल, अनूप सिंह, TCP नॉर्थ हौड़ा ने शिरकत की। आइए देखते हैं कि ऑर्गेनाइजर का क्या कहना है इस क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में। सर, ये लीग हमारा 6th सीजन है। 6 साल से ये एवरी ईयर हो रहा है और ये IGPL 6 है सीजन, जिसके अंदर में 7 ईयर्स से लेके 77 ईयर्स तक के पार्टिसिपेट है। बड़ा यूनिक है, 7 to 77। और इसका सबसे बड़ी बात है, ये एक फैमिली टूर्नामेंट है जिसमें बच्चे भी है, बड़े भी हैं, लेडीज भी है, यूथ भी है, जो ये दिखाता है। और इसके अंदर में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, मारवाड़ी भी है, बंगाली भी है, मतलब पूरा एक मिनी इंडिया है ये, इसको जिसको हम बोल सकते हैं, जिसका ये इवेंट है। 3 दिन का हमारा ये इवेंट है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 300 पार्टिसिपेट है और 24 टीम्स है, और ये 3 दिन हमारा इवेंट चलेगा। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे बाबुल सुप्रियो, जो वेस्ट बंगाल सरकार में मिनिस्टर है। उसके अलावा हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स है स्टाइल बाजार के डायरेक्टर भगवान प्रसाद गुप्ता, प्रदीप अग्रवाल, एवं उसके अलावा जो और भी हमारे CA प्रदीप अग्रवाल जो को स्पॉन्सर है, और जो भी और स्पॉन्सर्स थे सभी थे, और DC नॉर्थ हावड़ा के अनुपम सिंह वो हमारे स्पेशल गेस्ट थे। आप कुछ बोलिए सर आज के लीग के बारे में। हम लोग सब मिलके प्रोग्राम करते हैं, मिलके एक साथ सारा काम होता है, सभी लोग एंजॉय करते हैं, सभी के साथ मिलने से ये प्रोग्राम होता है। मैं नहीं खेलता बट मैं कमेटी का हिस्सा हूं और कमेटी के साथ रहता हूं। खाने का जितना भी व्यवस्था है सुबह जी ही करवाए हैं, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, आज का जो टूर्नामेंट हो रहा है, मैंने देखा कि सबकी टीम है, ये एक बहुत यूनिक आइडिया है। मैंने बहुत से टूर्नामेंट में जाता हूँ, पहला ये मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतों की अलग अलग टीम है, तो ये यूनिक आइडिया किसका है? ये तो हम लोग 6 साल से हो रहा है और 6 साल से हम लोग सब मिल के एक आइडिया निकाले कि इसमें बच्चे भी, लेडीज भी और बुजुर्ग लोग भी खेलें, साथ में सीनियर सिटीजन भी और यूथ भी, तो सब मिल के खेलते हैं और सब मजे करते हैं हम लोग, सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए सर, लाइट। हम लोग इस प्रोग्राम को 6 साल से यहाँ पर अरेंजमेंट कर रहे हैं और हमको यहाँ बेसिक कुछ बोलना नहीं है। बसंत पटवारी जी, सुहास जी, नवजीत जी, सारा सब कुछ सबको बोली दिए हैं। सबसे बड़ा बात है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोग जिस तरह का मैच करके सब लोग इतना एंजॉय करते हैं, आइडियल ग्राउंड में ऐसा फंक्शन
माहौल नहीं मिलता हम लोग के, लाजवाब माहौल नहीं मिलता है। सब मिल बार के सब हम एक संग खेलते हैं, एक परिवार के संग मिलकर, एक परिवार है। मिल का सबसे बड़ा फंक्शन है, सबसे बड़ा बात यही है जिसकी गूंज। ये 3 डेज का लीग है ना सर? ये 3 दिन का लीग है और इसकी गूंज जो है ना IGPL की पूरे कलकत्ता और हावड़ा में रहती है। 3 दिन का माहौल, बाहर से भी सबके रिश्तेदार आते हैं देखने के लिए और 3 दिन पूरा मस्त एकदम फेस्टिवल जैसा है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है। 3 दिन तक कोई भी आदमी अपने व्यापार में नहीं जाता यहाँ पर, हर यहाँ का हर एक रेसिडेंट 3 दिन तक कोई भी अपने काम व्यापार में नहीं जाता है और बड़े उल्लास के साथ उत्साह के साथ भी इस फेस्टिवल को हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं। हम लोगों को पिकनिक का माहौल हो जाता है, पिकनिक का माहौल, हर घर से कोई ना कोई अपना प्लेयर इसमें इन्वॉल्व है। 1 साल तक इसका चर्चा बना रहेगा और जब तक नेक्स्ट IGPL नहीं होगा तब तक लोग इसकी तारीफ करते रहेंगे, इसका इंतजार रहता है। साल से यहाँ पर हूँ और ये अपना जो IGPL है ये हमारे कॉम्प्लेक्स का सबसे विशाल, सबसे सुंदर, सबसे बड़ा इवेंट है। इसमें सारे परिवार, कॉम्प्लेक्स के 400 परिवार, उनके बच्चे, यंग और सीनियर सिटीजन सभी इन्वॉल्व हैं। अति सुंदर प्रोग्राम होता है। इसमें हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पटवारी जी हमारे चेयरमैन श्री, आप खेल नहीं कह रहा सर? हाँ, खेल रहे हैं। मैं खेल रहा हूँ, मैं सीनियर सिटीजन टीम में भी हूँ और कैप्टन भी हैं, कैप्टन भी हूँ। ये गलत हो, कैप्टन है तो कैसा लग रहा है सर आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं यंग हो गया हूँ, समझे ना? तो बहुत सुंदर, अति सुंदर, और हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इसको बहुत सुंदर से मेहनत से मेंटेन करती है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। सभी हमारे रेसिडेंट्स का, सभी बच्चों का, बहनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही देखिए ना माहौल कितना चारों तरफ खुशी है और एक सोसाइटी इस तरीके का जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पे एकदम इतना बड़ा एक कार्निवल जैसा हो रहा है। और देखिए बच्चे बूढ़े, मतलब बूढ़े तो दिल में जब दीवार मन में जवान हो तभी 60+ लोग भी यहाँ पे खेल रहे हैं और बच्चे, औरतें सब अपने अपने टीम में खेलने के लिए इतने जोश के साथ लगे हुए हैं। क्या ग्राउंड का माहौल बनाया, क्या पूरा बंदोबस्त किया है, अमेजिंग है। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या करूं, मैं खेलना चाह रहा था बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मजबूरियां हैं, उस वजह से मैं कल हूं नहीं तो मैं ज़रूर आई वुड हैव बीन लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। बहुत धन्यवाद। वो बहुत बचपन में था, एक टाइम था क्लास 6-7 में जब मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि क्या मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ या सिंगर बनना चाहता हूँ। अच्छा हो गया मैं सिंगर के का लाइन चुन लिया क्योंकि क्रिकेटर में जिस तरीके का प्लेयर्स देखता हूँ, अगर क्रिकेट चुना होता मुझे नहीं लगता मैं कहीं पहुँच पाता। बस ये बहुत खेला हूँ इसलिए, सीरियस क्रिकेट खेला हूँ इसलिए जो भी शॉट्स आप देखे मुझे भी अच्छा लगा। स्क्वायर कट, एक स्क्वायर ड्राइव मारा, एक स्क्वायर कट मारा, तो ये सब अच्छा लगा मुझे। बहुत धन्यवाद।